सो जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। वेलकम बैक टू द चैनल जेएमबीआई एकेडमी। आज हमारे साथ हैं आर्यन चौधरी। आर्यन कहाँ से? सर मैं देहरादून से हूँ लोकली, और मतलब केनाल रोड के पास मेरा हाउस भी है खुद का। ओके, तो यहीं से बिलोंग करता हूँ। तो कौन से स्कूल से एजुकेशन करी है आपने? सर दिल्ली पब्लिक स्कूल देहरादून। दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो क्या माइंडसेट था मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का? सर माइंडसेट मेरा, मतलब मैं प्रनीसा की वीडियोस देखता था यूट्यूब पे, जब मैंने अपने कोर्सेस फाइंड करने चालू किए थे कि मैं 11th में क्या परस्यू करूँ। तब फिर मैं जब देख रहा था तो उसमें मतलब मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं चाहिए थी जहाँ पे मतलब भीड़ चल ज़्यादा हो। तो उसमें फिर मुझे एक ऑप्शन दिखा मर्चेंट नेवी, मतलब इट हैज़ एडवेंचरस जॉब, मतलब हैंडसम सैलरी, ये सब देखा फिर मैंने। पर फिर मैंने रिसर्च करना चालू किया तो उसमें जेएमडीआई प्रनीसर का आया था, तो उसको मैंने वॉच करना चालू किया। तो उसमें मुझे पता चला कि इसमें दो डिपार्टमेंट्स होते हैं, डेक और इंजन। फिर उसके बारे में मैंने कोशिश करी, फिर मैंने सोचा अकेडमी ज्वाइन करूँ। मुझे लगा दिल्ली या मुंबई में कहीं से छोटे होगा, पर मैं सरप्राइज हो गया, मतलब देहरादून में था। एग्जैक्टली यही मेरा अगला सवाल था। देहरादून के लोगों को जनरली पता ही नहीं कि जेएमडीआई अकेडमी देहरादून में है, राइट? यस सर। तो मैं बहुत सरप्राइज हुआ था, फिर मतलब खुश भी हुआ था कि देहरादून में ही है। तो फिर मैं आया और अपने पेरेंट्स को लेकर आया, फिर प्रणीत सर से बात की, पंकज सर से बात की, फिर मैंने ज्वाइन कर लिया क्योंकि मुझे अच्छा लगे। एंड कितना टाइम हो गया अकेडमी में आपको? सर मुझे नियरली अराउंड मोर देन ईयर हो गया है, क्योंकि मैंने क्लास 12th मतलब पास करते ही आ गया, रिजल्ट भी नहीं आया था तभी आ गया था। पर पिछली बार फिर मुझे इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम की वजह से फिर मुझे रहना पड़ गया। फिर मुझे पता चला, मतलब जब हमारी इम्प्रूवमेंट लगी तो मुझे लगा अब तो क्या ही होगा नहीं होगा। तो फिर पर प्रणीत सर हमारे साथ आए, उन्होंने वन टॉक किया, फिर उन्होंने कहा कि हम तुम लोग के लिए फिर इम्प्रूवमेंट बैच निकालते हैं। फिर उन्होंने इम्प्रूवमेंट बैचेस चालू किए, उसके बाद फिर 1 ईयर तक पूरा पढ़ाई चली, उसके बाद फिर अभी मेरा इम्प्रूवमेंट क्लियर हो गया। तो अभी 1 साल बहुत ज़्यादा टाइम होता है किसी एकेडमी को देने के लिए और कहीं रहने के लिए, राइट? यस सर। तो आपने अपने अंदर क्या क्या चेंजेस देखे एकेडमिक से स्टार्ट करते हैं? एकेडमिकली अगर स्टार्ट करें तो मतलब 12th में मेरा ये था कि 60% एलिजिबिलिटी है, मुझे लगा हो ही जाएगा, उसमें क्या ही करना है, PCM 60 है, मतलब मिनिमम मार्क्स मैंने कैलकुलेट कर लिए, हो जाएगा। पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ना मैं ध्यान दे रहा था, टाइम रेगुलर था, ना डिसिप्लिन था, ना कुछ था। ऊपर से बहुत मैं नर्वस भी रहता था, ना कॉन्फिडेंट था। जब मेरी GMDI में अकेडमी आईडी कार्ड की फ़ोटो भी ली गई थी तो उसमें भी ऐसा लग रहा था जैसे मुझे बहुत लोग रिपीट रखा है, ऐसा मतलब नर्वस जैसा उसमें फ़ोटो भी आ रखी है। तो मेरे में कॉन्फिडेंस भी आया, मतलब और आपने 1 साल में डिसिप्लिन में रहना सीखा। यस सर। कॉन्फिडेंस आया, एकेडमिक स्ट्रांग हुए। यस सर। सबसे मेन बात हुई कि मतलब मैं फोकस करना सीख गया कि मतलब अगर मुझे इतने मार्क्स लाने हैं तो मुझे इतना पढ़ना पड़ेगा। पहले मैं इस चीज़ में रहता था कि नहीं हो जाएगा, हार्ड वर्क के बिना कुछ अचीव नहीं होता, राइट? एंड टुडे यू आर सक्सेसफुली प्लेस्ड इन अ कंपनी एज़ वेल। यस सर। तो कौन सी कंपनी में सिलेक्शन हुआ? सर तुलानी में हुआ है, अभी बीटेक में, और बाकी अभी ग्रेट ईस्टर्न और इन सब के चल रहे हैं। दैट्स रियली गुड, वी विश कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव ही आए वहां से। एंड 1 साल में देखिए आपने बोला कि आप इतने सीरियस नहीं थे, अभी जब आप एकेडमी ज्वाइन किया आपकी स्टडीज अच्छी हुई, आपको डिसिप्लिन आया एंड फोकस करना आपने सीखा, एक माहौल, एक एनवायरनमेंट मिला आपको बेसिकली यहाँ आके, राइट? इस 1 साल में कभी ऐसा हुआ कि यार कभी डांट भी पड़ी हो या कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो कि यार? सर डांट मुझे रेगुलरली पड़ती नहीं थी क्योंकि मैं रेगुलर आता था, क्लास करता था। पर फिर एक बार दो बार मुझे पंकज सर ने देख लिया और उनने कहा था कि मतलब अगर तुम दोबारा दिखे तो फिर तुम अकेडमी में नहीं दिखोगे। तो क्या दिखे मतलब? मतलब लिस्ट में दिखे, लिस्ट बनती है यहाँ अकेडमी में हर चीज़ की, मतलब तुम किस चीज़ में आ रहे हो, क्लास रेगुलर कर रहे हो कि वो नहीं कर रहे हो। अटेंडेंस पेरेंट्स को भी चली जाती है कि बच्चा नहीं आया, अटेंडेंस भी जाती है, ऊपर से फिर पापा को कॉल भी जाता है रोज, बंक मारने का तो सवाल ही नहीं है सर। अगर एक दिन भी मतलब रुक जाते हैं तो फिर वहाँ पे मैसेज चले जाता है पापा को, और मैसेज के बाद फिर कॉल भी जाता है, तो इसलिए फिर ऐसा कुछ हो नहीं सकता। तो कतई डिसिप्लिन है अकेडमी में, राइट? तो क्या लगता है ये अच्छा ही हो रहा है? सर मुझे तो अच्छा ही लगा क्योंकि मैंने इस अकेडमी को ज्वाइन करने से पहले काफ़ी अकेडमीज का रिसर्च किया था, उनसे बात भी की थी, उनके डायरेक्टर वगैरह से, लेकिन मुझे मतलब वो चीज़ें नहीं लगी, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाया। ऊपर से मैंने पिछले साल ये देखा, मतलब जब सिलेक्शन हो रहे थे लोगों के, तो मुझे सबसे सही ये चीज़ लगी कि मतलब प्रिंसिपल खुद आके 1-on-1 टॉक कर रहे बच्चों से, पूरे हॉल में बैठा के बच्चों को खुद क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसके बाद मुझे ये बहुत सही चीज़ लगा। तभी मैंने ये भी सोचा कि इम्प्रूवमेंट में भी 1 साल में अकेडमी में। सी ही इज़ ऑलवेज रनिंग बिहाइंड कि बच्चा एक अच्छी कंपनी में जाए। यस सर। उनका हमेशा प्राइम मोटिव ये है कि वो अगर यहाँ आया है तो वो अकेडमी तो उस पर मेहनत कर ही रही है, लेकिन वो खुद भी मेहनत करे, वो और एक अच्छी जगह जाए और अकेडमी का भी और अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। और लास्ट में मतलब 2 महीने में टीचर्स ने सिखा दिया, तो मतलब 6 महीने में ये था कि टीचर के बेस पे ही था, अकेडमी में भी आ गया था, तो मैं ये सोच रहा कि टीचर है, इम्प्रूवमेंट, एग्जाम के लिए पढ़ा रहे हैं, मर्चेंट नेवी का हम बाद में कर लेंगे। लेकिन फिर उनने ये भी सिखाया कि खुद भी पढ़ना पड़ेगा, तो मतलब लास्ट के जो 2 मंथ्स थे वो इफेक्टिव थे मेरे लिए ज़्यादा। सेल्फ स्टडी भी सर, तो सेल्फ स्टडी करना मतलब मैंने यहाँ पे ही सीखा है कि मतलब सेल्फ स्टडी से ही होगा, ऐसे नहीं होगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, राइट?
तो जैसा आपने बोला कि आप शॉक्ड हुए सर्च करने के बाद कि ये एकेडमी या तो मुंबई होगी या दिल्ली होगी, तो जब आपको पता चला देहरादून में होगी, तो अब देहरादून बच्चों के लिए क्या एडवाइस देना चाहते हैं दोस्त? सर मैं तो एडवाइस यही दूंगा, मतलब यहाँ पे बहुत सारी ऑनलाइन चीज़ें भी चल रही हैं आजकल, मैं देख रहा हूँ कि PDF पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, पर मतलब जब तक आपको वो एक प्रैक्टिकल नेचर नहीं मिलेगा, एक टीचर के साथ वन ऑन वन टॉक नहीं मिलेगा, मेन बात है इंटरव्यूज क्वेश्चन की। एक बच्चा मतलब बहुत इनकॉन्फिडेंट हो जाता है बिना इंटरव्यूज़ के, एक उसको मतलब कन्वर्सेशन उसका बिल्कुल ख़राब रहता है। सबसे मेन चीज़ ये है कि आपके सामने कोई बैठेगा और फिर क्वेश्चन पूछेगा तो वो एकदम रियलिस्टिक व्यू देता है आपको। तो सर मैं तो यही बोलूँगा कि मतलब JMDIS से बेटर तो मुझे अभी तक लगा नहीं, क्योंकि मैंने सब जगह बात की, ऐसा नहीं कि एक दो अकेडमी, यहाँ पर भी काफ़ी अकेडमीज है, उसके बाद दिल्ली में भी है, मैंने हर जगह बात की, ऑनलाइन भी सोचा कि कर लूँ, पर सर वो फ़ायदा नहीं है, वो चीज़ आपको मिलेगी नहीं जो आपको JMDIS में आके मिलेगी। एंड द ओनली थिंग यू नीड टू हैव इज, अगर आप JMDIS अकेडमी आना चाहते हैं तो हार्ड वर्क और डिसिप्लिन में रहने के लिए तैयार रहिए, देन यू आर मोस्ट वेलकम टू द फैमिली, राइट? यस सर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।